बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी, और एक इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मतलब कि हमारे मैटर को बनाने वाले कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको एक सरदर्स एक बात बताऊं कि फिलहाल हमें मैटर की एग्जैक्ट नेचर का पता नहीं चल सका है कि मैटर की एग्जैक्ट नेचर क्या है, मैटर आखिर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। साइंटिस्ट अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक बात नहीं बनी है। जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ सदियों पहले, मतलब 2 सदी पहले, जो मैटर का कॉन्सेप्ट था, दैट वॉज द एटम, दैट द एटम इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। उसे हमने कहा कि ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। फिर जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो पता चला जी कि एटम इज अ डिविजिबल, एटम कंटेन्स अ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर ये कहा गया कि ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ये द हकीकत आपके पास एलिमेंट्री या फिर बेसिक पार्टिकल्स हैं। बाद में फिर ये भी पता चला कि जनाब ऐसा नहीं है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बेसिक पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये आगे फर्दर पार्टिकल्स से मिलकर बने जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। फिर साइंटिस्ट ने यह कहा कि जनाब ये जो क्वार्क्स हैं ये बेसिक पार्टिकल्स हैं। उसके बाद फर्दर क्या हुआ कि कुछ नई थ्योरीज पेश आ गई, प्रेजेंट की गई, जिनमें आपके पास है स्प्रिंग थ्योरी है, जो कि कहती है क्वार्क्स के नीचे भी कोई चीज मौजूद है जिसे वो स्प्रिंग्स का नाम देते हैं। स्प्रिंग्स के बाद फिर सुपर स्प्रिंग थ्योरी आ गई, जो कि ये बताती है कि जनाब इसके नीचे भी कुछ और चीज मौजूद है। लेकिन बहरहाल क्वार्क्स तक हमारे पास जो हकीकत है वो मुसलमा है कि क्वार्क्स मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो आपके पास स्ट्रिंग है और सुपर स्ट्रिंग थ्योरीज हैं, वो अभी तक थ्योरीज ही हैं, उनके भी वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो मैटर है उसका मामला अभी सॉल्व होना बाकी है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द मैटर। तो बहरहाल हम इसमें थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक के अंदर। आइए देखते हैं जरा। सो हियर इज व्हाट द एटम इज नॉट द फंडामेंटल आर द एलिमेंट्री पार्टिकल। जो हमारे कॉन्सेप्ट था कि जो एटम होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, कहता कि अब वो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ एटम्स आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे कि पहले कंसीडर किया गया कि एलिमेंट्री पार्टिकल, बाद में पता चला कि नहीं ये तो डिविजिबल है, जब उसको डिवाइड किया गया तो पता चला कि इट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन पे वो मुश्तमिल होता है। फर्स्ट इट वॉज थॉट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। फिर जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए तो पता कहा गया कि ये आपके पास जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, मतलब यही बेसिक पार्टिकल्स है। बट इन लेट 20th सेंचुरी इट वॉज रिवील्ड डेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द क्वार्क्स। तो फिर बाद में ये पता चला कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, आपके जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं, बल्कि ये भी एक और छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। सो अप टिल नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड एज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री पार्टिकल है, जो बेसिक पार्टिकल जो फर्दर किसी चीज से मिलकर नहीं बना है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है। Now look here. Here we are going to take a droplet of water that is consisting of a number of water molecules. Okay? अगर हम वहां पे एक water molecule को लें, it is consisting of the oxygen and the 2 hydrogen atoms. अगर यहाँ पे हम oxygen atoms को लें, तो here we have the nucleus of the oxygen atom and the electrons orbiting around the nucleus. तो अभी आपने क्या पढ़ा
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्योंकि फर्दर अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं चल सका है कि ये किसी स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल है या ये स्ट्रक्चर लेस है, मतलब या क्या ये फर्दर किसी चीज से मिलकर बने हैं या फिर नहीं बने। तो अभी तक की हमारी जो स्टडी है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर वो इस चीज को बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स या वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फर्दर ये किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हुए हैं। जबकि आपके पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दीज आर मेड अप ऑफ द क्वार्क्स, यहाँ पे उसने बात की है न्यूक्लियॉन्स की, बेसिकली पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। तो ये कहता है आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द क्वार्क्स। अब एक न्यूक्लियन तीन क्वार्क से मिलकर बनता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अप अप एंड डाउन, टू अप एंड डाउन क्वार्क, तो ये आपके पास एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन होता है वो टू अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो अभी तक हमारी जो स्टडी है वो रुकी है इन क्वार्क्स के ऊपर, हम ये कहते हैं कि ये क्वार्क्स हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लेकिन अभी थ्योरी सजेस्ट करती है कि नहीं ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, अभी हमें फर्दर आगे जाना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग थ्योरी पेश की गई है, उस बात पे सुपर स्ट्रिंग थ्योरी आ चुकी है जो कि जस्ट क्या कहती है कि जो स्ट्रक्चर है मैटर का उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक हम किसी नेट रिजल्ट्स के ऊपर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर नहीं पहुंच पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनमें हमारे पास पहला जो ग्रुप है इट्स अबाउट द हेड्रॉन्स। There are particles that enter through the strong force are called hadrons. कल हमने पढ़ा था strong force, ऐसी force जो कि nucleus के अंदर मौजूद होती है और जिसका जो आग पास particle है that is what called the nucleon. ठीक है, interacting particle जो होता है या exchange particle जो होता है उसे हम क्या कहते हैं कि gluon कहते हैं। तो gluon के through जो है वो चीजें या particle जो आपस में interact करते हैं that is those are known as the hadrons. Hadrons are divided into two groups. वो दो groups कौन कौन से हैं? Number one, the mesons, and number two, baryons. Mesons and baryons. देखते हैं कि mesons क्या है, कि mesons are medium weight particles. तो ये जो meson word है ये इनको यहाँ से मिला है, medium weight से मिला है, कि ऐसे particles जिनके वेट क्या होते हैं मीडियम होते हैं, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल मीजॉन्स डिके इनटू इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन्स न्यूट्रिनोस एंड फोटॉन्स। कहता है जितने भी मीजॉन होते हैं जब उनका डिके होता है मतलब जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं टूटते हैं तो उनसे क्या निकलते हैं हमारे पास, या तो इलेक्ट्रॉन बनेगा या पॉजिट्रॉन न्यूट्रीनो या फिर फोटॉन। तो इनमें से पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वो डिवाइड हो जाते हैं। पायॉन इज द लाइटेस्ट मीजॉन, इसमें कहता है हमारे पास जो पायॉन आता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ द मीजॉन, वो कहता है सबसे लाइट मीजॉन है हमारे पास। ऑन द अदर हैंड बेजॉन ब्रियॉन्स हैव द हैवियर पार्टिकल्स हैविंग मास इक्वल आर ग्रेटर देन द प्रोटॉन मास। ब्रियॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके मास या तो प्रोटॉन के इक्वल होते हैं या फिर इनसे ज्यादा होते हैं। तो वो पार्टिकल जिनके मास प्रोटॉन से इक्वल या फिर ज्यादा होंगे उन्हें हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या है ब्रियॉन्स है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इंक्लूडेड इन ब्रियॉन फैमिली, इसमें आप आपके पास क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों ही ब्रियॉन फैमिली के अंदर पाए जाते हैं या उनको हम रखते हैं। The decay product of baryon is always a proton. अब कहता है कि जब भी आपका कोई baryon decay होगा मतलब टूट फूट का शिकार होगा या disintegrate होगा तो उससे क्या बनेगा proton बना करेगा। जैसे ऊपर देखें आप, यहाँ आपने क्या बताया जब meson decay होंगे तो वो electron proton electron positron neutron और photon के अंदर disintegrate होंगे। इस तरीके से जब आपने बताना है कि जब आपके पास baryon decay होता है तो वो हमेशा किसमें होता है proton के अंदर होता है। लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स
स्टैंड फॉर द लाइटर पार्टिकल्स, ये ऐसे पार्टिकल्स जो कि बहुत लाइट हैं, हल्के होते हैं, जिनका मास बहुत ही कम होता है। लेप्टन्स आर ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यहाँ से कहता है कि लेप्टन्स जो होते हैं वो ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मतलब ये फर्दर किसी दूसरी पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते हैं, दे एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, इनका खुद अपना एक वजूद है, ये फर्दर किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बने। एज डोंट हैव द इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब यही है ये किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बने, जो उनका अपना स्ट्रक्चर है बस वही है। दे पार्टिसिपेट इन टू वीक इंटरेक्शन, कहता जो लेप्टॉन्स होते हैं वो वीक इंटरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली जो आपके पास न्यूक्लियर डिके होता है अल्फा बीटा गैमा डिके, वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू होता है, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल उधर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लेप्टॉन्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स म्यूऑन्स एंड न्यूट्रिनोस, तीन तरह के हमारे पास हैं वो लेप्टॉन मौजूद हैं, जिनके अंदर पास हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं म्यूऑन्स हैं और न्यूट्रिनोस हैं। All of leptons are less massive as compared with the lightest hadron. कहता आपके पास सबसे light hadron है, ये आपके पास आते हैं ये leptons भी उससे भी क्या है कि कम mass वाले होते हैं। So less massive as compared with the lightest hadron. Hadron का जो सबसे light mass वाला हिस्सा है उससे बहुत ज्यादा कम mass के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा चार्ट है, इस चार्ट से आपको समझने में आसानी होगी। ये अगर हमारे पास एक पार्टिकल फैमिली है तो पार्टिकल फैमिली को हमने यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। लेप्टॉन जैसे कि अभी आपको बताया गया कि आगे फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड होते हैं, उनके तीन इसके आप कह सकते हो कि अफराद हैं, इलेक्ट्रॉन म्यूऑन एंड न्यूट्रिनो। तो लेप्टॉन्स आगे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स म्यूऑन्स एंड न्यूट्रिनोस, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लेप्टॉन। वेयर एज अगर बात करते हैं हेड्रॉन्स की, तो हेड्रॉन्स जो हैं वो आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, अभी आप पढ़ चुके हो, एंड दो आर द मीजॉन्स एंड ब्रियॉन्स। मीजॉन्स मीडियम वेट पार्टिकल्स एंड ब्रियॉन्स हैवी वेट पार्टिकल्स। तो मीजॉन्स के एग्जाम्पल हमारे पास क्या आती है, पायॉन्स हैं एंड केऑन्स हैं। So pion and kaons, these are the examples of the mesons, whereas jo bryons hain wo aage further mushtamil hote hain kiske upar, proton pe aur neutron, proton and neutron, so these are the examples of the hadrons, theek hai, jo aapne yaad rakhne hain। Next time ab baat karte hain ki quarks, बेसिकली अभी आपके पास जो हमने बात की थी हेड्रॉन्स की, तो हम हेड्रॉन्स को लेकर आगे चल रहे हैं और बात हम करने लगे हैं जी मीजॉन्स की एंड ब्रियॉन्स की। जितने भी मीजॉन्स हैं या ब्रियॉन्स हैं वो सारे के सारे आगे फायदे क्या होते हैं कि क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। तो एम गिलमैन एंड जीसवेग प्रपोज्ड द क्वार्क थ्योरी, कहता कि ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि ये क्वार्क थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें कहा गया था कि जो हेड्रॉन्स हैं या जो ब्रियॉन्स हैं वो आगे फर्दर क्वार्क से मिलके बने होते हैं। क्वार्क्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मीजॉन्स एंड ब्रियॉन्स, ये मीजॉन्स और ब्रियॉन्स ये दोनों देखे ना हेड्रॉन्स हैं, हेड्रॉन के आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है किसके ऊपर, मीजॉन एंड ब्रियॉन, तो ये कहते हैं ये दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। So here we are going to discuss the quark model. The quark model हमारे पास क्या है? So number one, there are six type of quarks. हमारे पास छह तरह के quarks हैं वो मौजूद हैं। It's a up, down, strange, charm, top, bottom. हमारे पास छह तरह के quarks हैं, ठीक है? Up, down, strange, charm, top and bottom. इनको हम यूं ही ऐसे रिप्रेजेंट कहते हैं यू डी एस सी टी एंड बी से। एवरी क्वार्क हैज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटी क्वार्क, अब कहता है हर क्वार्क क्या है कि एंटी क्वार्क मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
अप है तो एंटी अप भी होगा, अगर डाउन है तो एंटी डाउन भी होगा, स्ट्रेंज है तो एंटी स्ट्रेंज होगा, चार्म है तो एंटी चार्म होगा, टॉप है तो एंटी टॉप होगा और बॉटम है तो एंटी बॉटम भी होगा। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पास टोटल 12 क्वार्क्स आए थे, 6 आपके पास क्वार्क्स और 6 उनके क्या आ गए एंटी क्वार्क्स, तो टोटल 12 आपके पास आ गए क्वार्क्स। Each proton and neutron consist of 3 quarks and antiproton and antineutron are consisting of antiquark. कहता है एक प्रोटॉन जो है वो 3 क्वार्क्स पर मुश्तमिल होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो भी 3 क्वार्क्स पर ही मुश्तमिल होगा। इस तरह प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा दैट इज नोन एज द एंटी प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा दैट इज नोन एज द एंटी न्यूट्रॉन, वो भी कहता है कि फर्दर 3-3 क्वार्क्स पे ही मुश्तमिल होगा। मीजॉन्स आर कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स, ये तो हम बेसिकली बात गए थे किसकी, ब्रेयॉन्स की, ठीक है। अब हम मीजॉन्स की बात करते हैं तो ब्रेयॉन्स के अंदर जो हमने दो एग्जांपल ली हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनके लिए हमने कहा कि ये दोनों जो वो 3-3 क्वार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जब हम बात करेंगे किसकी, मीजॉन्स की, तो मीजॉन्स का हमने कहना है ये बेसिकली एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क पे मुश्तमिल होते हैं, एक क्वार्क और एंटी क्वार्क पे मुश्तमिल होते हैं, ये सिर्फ दो क्वार्क से मुश्तमिल होते हैं, एक क्वार्क होगा दूसरा एंटी क्वार्क होगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर यहाँ तीनों क्वार्क्स हों, यहाँ तीनों क्वार्क्स हों, ठीक है, और एंटी के अंदर तीनों ही एंटी आएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मीजॉन के अंदर एक क्वार्क और दूसरा हमारे पास क्या है कि एंटी क्वार्क है। Quark contains the fractional charge of the electron. अब ये एक स्ट्रेंज बात जो इनके लिए सामने आई वो क्या थी कि हम ये समझते थे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है दैट इज हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इससे कम वैल्यू का चार्ज हमारे पास होना मुमकिन नहीं है, लेकिन जब क्वार्क्स डिस्कवर हुए तो पता चला कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शनल चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/3, +1/3, +2/3, -1/3 एंड -2/3, सो ऑन। तो इसका कहता है कि इनके ऊपर क्या होता है कि फ्रैक्शनल चार्ज होता है। अब आइए जरा यहाँ पे इसको देख लेते हैं डिटेल के साथ, हमें थोड़ा सा पता चल दे। इट्स अबाउट द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो लुक है जी, हियर वी हैव द क्वार्क्स, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप एंड बॉटम। ऊपर देखिए ये इनके मैसेज लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.28 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 173.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनिशियल इनका चार्ज लिखा है, अप टॉप के ऊपर जो 2/3 चार्ज होता है, चार्म के ऊपर 2/3 होगा और स्ट्रेंज टॉप के ऊपर भी 2/3 होगा। स्पिन इसका हाफ होता है, इसका भी स्पिन हाफ है, इसका भी स्पिन हाफ है, जबकि डाउन जो होगा उसका मैथ यहाँ पे लिखा है, इसका जो चार्ज है वो -1/3 है। ऊपर देखिए आपके ऊपर चार्ज 2/3 है तो डाउन के ऊपर चार्ज -1/3 है और इसका स्पिन भी हाफ है। स्ट्रेंज के ऊपर जो चार्ज दैट इज -1/3, बॉटम के ऊपर चार्ज -1/3, स्पिन इसका हाफ। अब देखिए जरा ये, अब हम बात करने लगे इनके एंटी क्वार्क्स की, तो यू यू के ऊपर हम ये लाइन लगा देते हैं, सो इट बिकम्स द एंटी क्वार्क। अब एंटी क्वार्क में क्या होगा कि मैथ तो उसका वही होगा लेकिन चार्ज उसका अपोजिट हो जाएगा। देखो इधर ये अप क्वार्क है, अप क्वार्क के ऊपर चार्ज 2/3, तो ये देखिए एंटी अप इसके ऊपर चार्ज -2/3 जबकि मैथ सेम है, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर, यहाँ भी वही आस पास है कि 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर, तो मैथ सेम है, तो एंटी पार्टिकल में सिर्फ फर्क इधर आता है उसके चार्ज का, जो तो चार्ज होता है वो पार्टिकल का चार्ज होता है वो एंटी पार्टिकल चार्ज के अपोजिट होता है। तो हियर वी हैव द 6 टाइप ऑफ द एंटी क्वार्क्स, तो एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी चार्म, एंटी स्ट्रेंज, एंटी टॉप एंड एंटी बॉटम। तो इस लिहाज से देखिए तो ये आज पास जो क्वार्क्स होते हैं वो 12 टाइप के हमारे पास आते हैं, इस नाउन एज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन क्वार्क्स। ना लुक है जी, अब हम आते हैं नीचे मीजॉन्स के ऊपर, सॉरी लेप्टॉन्स के ऊपर। ये हमारे पास क्या है, लेप्टॉन्स है, तो लेप्टॉन में आपके पास इलेक्ट्रॉन,
मैस इसका 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सेकंड स्क्वायर और चार्ज इसका -1 एंड स्पिन इसका हाफ. ठीक है, देन हमारे पास आता है म्यूऑन. तो म्यूऑन का मास 1.05.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज इसका -1 स्पिन इसकी हाफ. टाउ हमारे पास आता है चार्ज -1 स्पिन हाफ, मास इसका इतना होता है. एंड देन इलेक्ट्रॉन का यहाँ देखिए, अब इलेक्ट्रॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के न्यूट्रिनोस भी हैं. ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये म्यू ई हम इसे डिनोट करते हैं, इट्स अ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. ये एक पास आ गया म्यूऑन, तो इट्स द म्यूऑन न्यूट्रिनो. टाउ, ये एक पास आ जाएगा इसका टाउ का न्यूट्रिनो आएगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आग पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यूऑन है तो उसका न्यूट्रिनो है, टाउ है तो उसका न्यूट्रिनो है. अब इन तीनों के आ जाएंगे एंटी पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, म्यूऑन का एंटी पार्टिकल एंटी म्यूऑन और टाउ का एंटी पार्टिकल एंटी टाउ आ जाएगा. और फिर इन तीनों के क्या होंगे कि एंटी न्यूट्रिनो भी होंगे. तो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो, एंटी टाउ एंटी न्यूट्रिनो. तो ये हमारे पास आ गई सारी की सारी इलेक्ट्रॉन फैमिली. ऊपर हमारे पास सारी क्वार्क्स आ गए, नीचे हमारे पास सारे जो है वो क्या आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन फैमिली आ जाती है. अब याद रखिए कि जितने भी आपने पढ़े हैं मीसॉन्स और हेड्रॉन्स, वो सारे के सारे क्वार्क से मिलके बने होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास ये आ जाते हैं इधर. नाउ इस तरफ देखिए, ये एक अलग से हमने बनाया है, इसे हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, एलिमेंट्री बोसॉन्स हैं या इंटरैक्टिंग द फोर्स कैरियर्स होते हैं. अगर आप बात करेंगे ब्रियॉन्स की और मीजॉन्स की, तो उनके अंदर जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो ग्लूऑन होता है. अब ग्लूऑन का कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं और स्पिन इसका 1 होता है. जो फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं. लुक हियर, कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं और स्पिन इनका 1. देन हमारे पास आते हैं कि जेड बोसॉन या डब्ल्यू प्लस माइनस बोसॉन. अब जेड बोसॉन का जो मास है 91.19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चार्ज इसके ऊपर भी कोई नहीं, स्पिन 1 है. डब्ल्यू प्लस बोसॉन जो है उसका मास 80.39 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, चार्ज इसका 1 और स्पिन इसकी 1. यहाँ पे इसका चार्ज -1 और स्पिन 1. -1 से मतलब क्या है या +1 से मतलब क्या है कि दैट दे हैव द चार्ज इक्वल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, -1 होगा चार्ज इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, +1 होगा तो उसका अपोजिट मतलब चार्ज ऑन द फोटॉन वो आ जाएगा. और इसमें आग पास ये एक आग पास आता है कि इट्स द हिग्स बोसॉन. ठीक है, 125.09 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर, ये इसका जो है वो मास है, चार्ज कोई नहीं, इसका स्पिन भी कोई नहीं. तो यहाँ पे देखो कि बाकी सारे पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, उनमें सिर्फ ये कि पार्टिकल आपके पास केले बोसॉन ऐसा आता है जिसकी स्पिन कोई नहीं है. बाकी आप देखें जितने भी पार्टिकल्स हैं तमाम की स्पिन मौजूद है, इट डोंट हैव द स्पिन. और बेसिकली ये कहा जाता है कि बेसिकली जो हिग्स पार्टिकल है या हिग्स बोसॉन जो है, ये क्या कहता है, जब इंटरेक्शन होते हैं तो इससे फिर बाकी सारे के सारे जो पार्टिकल वो वजूद में आते हैं. तो ये बेसिकली एक छोटा सा खाका है, हमारे पास पूरी फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच है, दैट इज नोन एज द पार्टिकल फिजिक्स. तो पार्टिकल फिजिक्स जो है वो इन तमाम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को, इनके इंटरेक्शन को, जो फर्दर जो पार्टिकल्स हैं जो कि अननोन हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करती है. तो इट्स अ वास्ट फील्ड जो कि आगे फर्दर चलती है. तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था जी, इट्स अबाउट द स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, उसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया है.